हम आ चुके हैं जेना के रमा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी में। जेना का ही है भाई, जेना यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अपना, एंड नाउ शी इज गोइंग टू अप्लाई फॉर हर मास्टर्स। आज है स्पॉट सिलेक्शन, सो देखते हैं आज उसके सारे फॉर्म्स हम डालेंगे एंड होपफुली यहाँ पे इसका वापस से हो जाए। हाँ जेना, सो वो क्या है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। सो वो है इनका, रमा देवी का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बड़ा ही सुंदर दिख रहा है। उस तरफ में कैंटीन है, और जिस ईयर में पास आउट हुई उस साल हमें एक ब्रांड न्यू बिल्डिंग दिया जा रहा है। अरे बाप रे, पूरा कॉमर्स है वो। तुमने कितना पढ़ाई किया उस बिल्डिंग में? सो यहाँ जा रहे हैं, दो बार गई हूँ एग्जाम देने के लिए बस। सो अभी हम जाते हैं, जल्दी से इसका फॉर्म सब दे के आते हैं। ये है अंदर से इसका कॉलेज काम चल रहा है। अच्छा वाला दिखाऊंगी। अच्छा ऑफिस ऑडिटोरियम में पहुंच गए, वो वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह दे रही है एंड मेरे को पीछे भेज दिया गया है। आई फील सो बैड। एंड यहाँ पे स्पॉट सिलेक्शन के लिए सारे बच्चे आ रखे हैं, जो नहीं आए उनको पीछे बिठा गया है, बिकॉज मैं तो उसकी पेरेंट बन के आई हूँ, गार्जियन। सो वो अपने फॉर्म्स वगैरह दे रही है। गाइज हो गया डन रजिस्टर में साइन की? हाँ। पक्का की है तो पूछी सर को जाना है। ओके डन गाइज, फाइनली जेना का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने दे दिया है स्पॉट सिलेक्शन के लिए, एंड देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। बस बच्चे जो है बहुत सारे थे, बहुत सारे, और आधा सीट रिजर्वेशन से भरा है, बच्चा क्या करेगा। एग्जैक्टली रिजर्वेशन का एक दिक्कत हो जाता है, सो लेट्स होप कि जो हो बेस्ट हो। रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन, उसके बाद जो स्पोर्ट्स खेल रहा है। हाँ, एनसीसी वगैरह, एनसीसी वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं अगर मतलब लाइक अच्छे तेरे चांसेस है और तेरा लक है। स्टिल देखते हैं। एंड अभी हमने सोचा है कि हम आरडी को एक्सप्लोर करेंगे। दिखाते हैं आरडी दिखता कैसा है। बड़ा सा है, बहुत बड़ा है एक्चुअली। रमा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, सो लेट्स एक्सप्लोर इट। यहाँ पे लोग रहते भी? हाँ, मतलब अच्छा। सो यहाँ पे काम जो करते हैं वो लोग रहते हैं। हम लोग जो ऑडिटोरियम है उसके जस्ट पास वाली गली में आए हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉमर्स ब्लॉक। या कॉमर्स ब्लॉक दिखाएंगे, फिर हॉस्टल्स दिखाएंगे। हमारी मैम है, ये मैम है। कौन है ये? गौरी मैम है। क्या पढ़ाती है? वाह, देखो बच्चों, देखो आरडी वाले, ये है आपके जो आरडी के टीचर भी अगर मेरा व्लॉग देख रहे हो गलती से तो देखो ये आपके स्टूडेंट्स। नहीं यार, वो बताएंगे कि लड़की बंदी कितनी ऑनेस्ट है, बता रही है कि हाँ मैंने पढ़ाई नहीं की थी क्लास आगे। सो ये बड़ा, आज बड़ा क्लाउड मस्त है, सही सा दिख रहा है वो। हाँ, इसके इसके पापा ने खरीदा था ये बिल्डिंग हमारा। हाँ, तो ये इनका कॉमर्स का बिल्डिंग है। सो बड़ा ही सुंदर सा है भाई, भाई बहुत सुंदर सा है। एंड जेना भी बड़ी सुंदर लग रही है आज। वाह, लाइब्रेरी बड़ा सही दिख रहा है। और यहाँ पर पार्किंग, यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ पे अगर तू गाड़ी कभी लाई तो रख सकती है, साइकिल अपना जो खरीदेगी। सो सो वो जो ग्रीन कलर का बड़ा सा दिख रहा है वो है लाइब्रेरी, बड़ा ही सुंदर है। क्या बादलों के बीच में ऐसे लग रहा है, क्या सही जगह पे है। एंड ये इनका बड़ा सा कॉमर्स डिपार्टमेंट है, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत अच्छा खासा सरकार ने यहाँ पे खर्चा किया है। 500 करोड़ ये बिल्डिंग बनाने के लिए 500 करोड़ लगा है। अच्छा, हमारे आर डी को आया था 500 करोड़। सो उस 500 करोड़ का कुछ हिस्सा ये बिल्डिंग है। 500 करोड़ है? हाँ, 500 करोड़ ही है। मैं सुनने को पाई, बट भाई 500 करोड़ एक बिल्डिंग को बनाने के लिए? मेरी नई दोस्त ये जा रही है वहाँ जहाँ पे ये कभी पढ़ाई नहीं करती है। कभी किया है पढ़ाई यहाँ पे? दो बार बस। पढ़ाई उसको बोलते हैं, पढ़ाई करके आने का बस। हमारा शुरुआत में यही होता है। डिपार्टमेंट
कहाँ पे तुम्हारे टीचर्स देखते नहीं है ऊपर से? ओ तू तो यहाँ के पापा की परी है। और अगर गलती से यहाँ मैं पकड़ी गई, मैं ब्लॉक कर रही हूँ, पकड़ के मेरे को मारने देंगे? हमारा क्लास है? नहीं नहीं ऐसा ही क्लास है, ऊपर बच्चों का क्लास चल रहा है, इसलिए मैंने डेमो ये दिखा दिया भाई। लेकिन सुंदर है भाई, मेंटेन किया गया है। और हमारे बीजेपी में सारे पुराने क्लास, बट इतने कम बच्चे यहाँ बैठेंगे कैसे? पीजी का क्लास है। ओ कम बच्चे होते हैं, बहुत धूप हो रही है, इसलिए हम घर जा रहे हैं। मैं बाद में इसको एक्सप्लोर कराती हूँ। मैं अभी हम तीनों का बीजेपी में एम फाइनेंस के लिए हो चुका है। कल है एडमिशन, सो कल हम तीनों के कल जा रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए। इसका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, अगर यहाँ हो गया तो वहाँ से हट के यहाँ आ जाएगी। मेरा और श्रुति का फिक्स है कि हम दोनों वहीं पे करने वाले हैं। सो गाइस यही अपडेट था हमारी लाइफ का। अगर आप सबको जानना था कि हम तीनों करने क्या वाले हैं, ऐसा शॉकिंग लग रहा होगा भाई ये लोग का क्या है, कुछ बताते नहीं है, कुछ भी कर लेते हैं। बट यार दिस इज द फैक्ट दैट हम लोग ये कर रहे हैं। ये तो हमारी श्रुति का डिपार्टमेंट था। ए देखो गाइस यहाँ पे दिख रहे हे छोटे छोटे, कितने गंदे से दिख रहे। ये पक्का तेरे मुंह में 4-5 घुसते हैं। मुंह में कौन हो रहा है? ये जेना देख लो, आईडी के बच्चों, ये बच्चों के साथ रैगिंग करती है यहीं पे, देख लो। ठीक है बाय, गुड नाइट, सो जाओ जाके। जब डर लगे तो तेरे पापा बोलते हैं चुप हो जा वरना नेहा दीदी आ जाएगी। क्या क्या घर पे बुला रही है क्या? मैं नहीं आ सकती, बिजी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, मतलब कि बहुत पैसा है टीचर्स लोग के पास। ये सरकारी कॉलेज में पढ़ के भाई, नहीं सरकारी कॉलेज में काम करके बहुत पैसे होते हैं यार। तो मैं भी सोच रही हूँ, हाँ वही तो मैं भी सोच रही हूँ एक सरकारी टीचर बन जाऊँ। वही करते हैं, चल मास्टर के साथ यही सब करेंगे, बहुत पैसा होगा हमारे पास। छुट्टियाँ छुट्टियाँ 4-5 घंटा पढ़ाओ, फिर घर में आराम से बताइए। वो टीचर होंगी तो, हाँ टीचर है। और चिल्ला की स्कीम बता सबको, चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला, नहीं नहीं चिल्ला। एक्चुअली हमारे आरडी के बाहर में बड़ी मस्ती दुकान बैठती है, ये इयररिंग्स की, नेकलेसेस की, रिंग्स की, और बहुत अच्छा है। मेरा 7,000 स्टेप्स का आज टारगेट पूरा हो गया, तो मैं सोच रही हूँ आज के स्टेप्स को बढ़ा के 20,000 कर देती हूँ। तेरे को रास्ते में फेंक के मारूंगी। तो जाके हम लोग बालियाँ लेंगे, बालियाँ वालियाँ जो भी मिलते हैं। प्लीज चुप हो जा, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनका मूड ना ऑफ ना हो जाए। बच्चों सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट जेना इज क्रिएटिंग। बस कीचड़ में गिर ना जाए जोर से। सो ये रही हमारी चांद वाली रिंग। वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो हम लोग जा रहे अपने रूम में, चलो पी लेते हैं पेट ठंडा हो जाए। सो अभी हम जा रहे हैं, नारियल पानी पियेंगे, हम हाइड्रेटेड फील करेंगे और स्ट्रांग बन जाएंगे। ले मेरी जान। थैंक यू, चीयर्स। सो गाइस रीच हॉस्टल एंड अभी हम जाएंगे फ्रेश होंगे और उसके बाद मिलते हैं। आई गॉट फ्रेश एंड फ्रेश होने के बाद अभी थोड़ी देर बाद ही आई हैव गॉट अ न्यू कोलैबोरेशन। मेरा फेवरेट। सी व्हाट आई हैव गॉट, न्यू कोलैबोरेशन, एक्साइटेड। ओपन करो एंड शो मी। बहुत जरूरत है आशीर्वाद की गाइस। सो गाइस ये है मेरे कुछ प्रोडक्ट्स एंड दिस इज द ब्रांड। अभी ये खा लिए? ओह मेरे को लगा फिर से स्कैम हो गया। कॉस्प्लम के साथ में ऐसा हुआ है कि एक मेरा मस्कारा और एक लिप टिंट गायब है। This is the brand Colabar and I got it. Wow. क्या है? लिपस्टिक? दोनों लिपस्टिक है? अबे एक नेल पेंट रिमूवर होगा देख। लिप कलर? लिप कलर। पार्टी 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 पार्टी। सी योर शर्मा जी की लड़की has got the collaboration from Colabar. बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश, आपके शर्मा जी की लड़की को लिपस्टिक मिले हैं। ये 500। अभी जा रही है जेना श्रुति के रूम में, उसको कोलैब के कुछ शूट करने हैं, मैं जाऊंगी कल। सो गाइस एंजॉय एंड हैव योर शूट। टाटा। थैंक
खाएंगे यू सैंडविच मेड बाय नेहा शर्मा वन एंड ओनली. मैं हमेशा सैंडविच बनाती हूँ जो कि प्रियंका जेना को एंड मिष्टी द ग्रेट को अच्छा लगता है. मिष्टी द ग्रेट को बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ मैं सभी चीज डिलीशियस बनाती हूँ. सो मैंने इसमें डाला है, मैंने इसमें डिक चिक टिक एफर्ट डाला है. मैंने इसमें डाला है शेजवान चटनी और ककड़ी और प्याज और नमक एंड दैट्स इट. हमारे पास बाकी सब्जियां थी नहीं, टमाटर सड़ चुका है जो मम्मी ने दिया था, एक टमाटर सड़ गया है. और मिर्ची हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि शेजवान ऑलरेडी इतनी तिक्की होती है कि वहां मेरे को एक्स्ट्रा सेजवान चाहिए. हां एक्स्ट्रा चाहिए, फिर जो एक्स्ट्रा निकलेगा काट. बाइट लेती है नेहा द ग्रेट. तेरे मुंह में लात मारूंगी. नेहा द ग्रेट कैसा लग रहा है? चलो चलेगा. मिष्टी दे कैसा लग रहा है? ये तो बोल रही है चलेगा, आप बोल दो कुछ गंदा सा. अच्छा लग रहा है ना? तीखा लग रहा है? नहीं लग रहा है, थोड़ी देर बाद लगेगा. जेना इज वाचिंग लाल सिंह चड्ढा एंड इसके आंखें लाल हो गई देख के. बड़ी दुविधा है जेना, आर यू क्राई? भाई मेरे को तो ये मूवी पसंद नहीं आ रही, पता नहीं इसको क्यों इतनी पसंद आ रही. पूरा नहीं देखा, आधा से देखा. बड़ा ही बच्चा का स्ट्रगल देखिए. नहीं और रो 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 और जोर से रो, कंटेंट दे मेरे को. रो खत्म हो गया एक की बार. अच्छा दिखा तो दे. ये देखो आमिर भैया. कट्टर कट्टर. और आज की रात मेरे को लगता है कि हमारा फैन को बंद करके सोना पड़ेगा कॉज दो फिर से हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया. कटर 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 साउंड कर रहे. सो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल. ये तो पूरा ही बंद हो गया जेना. अच्छा वाह 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 देखो ले सुन्तान ये वो चलता रहेगा तब बोतल घुसेगी उसके बीच में. अबे चलने के बाद चला जाते. जा 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 चल. हाँ चल बस अब देखते हैं ये जीतती है कि नहीं जीतती है गाइस. हाँ हाँ चलो देख चलो. नहीं नहीं घूम रहे. हाँ ऐसे तेरे बोतल को घुमाने से तेरा दिमाग कहाँ पे आड़ी में छोड़ गई है. नहीं आप बोल रही थी. हाँ हवा आ रही है तो फिर आइए बड़ा एक तो बोतल लेके. और क्या पकड़ के आई थी पता है गाइस? ये चाकू. चाकू से घुमाएगी उसको. अबे धीरे जोर से करने से ये ऐसे हो रहा है. नहीं धीरे करने से ऐसे हो रहा है, जोर से करने से आवाज ही नहीं आ रही. और धीरे चल. हाँ तेरा दिमाग गाँव में छोड़ गया ये जाजपुर में. दीदी अभी अत्याचार कर रही है फैन के साथ में. उसको किससे? झाड़ू से करके दिखाओ. झाड़ू से घुमा रही जैसे तो हम पूरा हवा खा के पूरा मस्त सोएंगे आज. और क्या वाह जेना वाह वाह वाह. तू तो गांव में छोड़ के पक्का आई अपना दिमाग. गाइस मैं क्या करूं, मुझे नींद आ रही है. कल हमारा एडमिशन है गाइस, हमको कल सुबह जल्दी उठना है गाइस. और हम ऐसे सोएंगे तो फिर लेट से सोएंगे. पता नहीं बेड से अपना नीचे वाला बड़ा ठंडा लग रहा है. तो एक काम कर तू नीचे में वो चटाई बिछा के सो ही जा. ठीक है जा सो जा बाय गुड नाइट. और मैं तो अपनी मैं मिश्री दी के बेड पर सोऊंगी मिश्री दी के साथ में. ठीक है डन. अगर आप नीचे गिरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना. मैं नहीं नहीं अच्छा ठीक है. आपको कौन सी दिया आप साइड में सो. आप गिरोगे आपका भाई. कैसी दोस्त है यार तू ऐसे बोल रही है. बोल रही है कि I love you. हो गाइस ये प्यार पन्ना अब कल देखना. बाय. I love you. ठीक है बाय गुड नाइट. हमारी आज की नींद तबाह हो गई है. ऑल थैंक्स टू हमारे तबाह हो गए. आज पक्का मुझे नींद नहीं आ रही गाइस. एक तो इसने मेरे सर में दर्द कर दिया और एक जेना का गाना जो चांद चांद लगा दिया चेरी ऑन द टॉप बन गया है. चले गाइस कल मिलते हैं, तब तक ले छड़ा.